हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, सीरियसली बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। अच्छे से देखना, जो चीज़ों को बताऊं उनको फॉलो करना। और इसमें मैं बताने वाला क्या हूँ कि आपका ट्वेल्थ में कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप होना चाहिए। अगर आपको एग्री में एडमिशन लेना है, क्या आपका जो सब्जेक्ट ग्रुप आपका है, जो सब्जेक्ट ग्रुप कॉम्बिनेशन है, क्या आप उसके लिए एलिजिबल हो, हॉर्टिकल्चर, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, सेरिकल्चर या बीटेक का कोई भी कोर्स में आप एडमिशन ले रहे, तो कौन सा सब्जेक्ट ग्रुप होना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। क्योंकि अगर आप ठीक से सब्जेक्ट ग्रुप को कॉम्बिनेशन को नहीं पता चलता, आपको नहीं पता होता है कि आप बीटेक बायोटेक के लिए एलिजिबल हो या नहीं, बीटेक एजी के लिए एलिजिबल हो या नहीं, तो अगर आप उनको पुट करते हो तो फिर यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन रिजेक्ट कर देती है। रिजेक्ट करने के केस में आप आगे की फर्दर काउंसलिंग के लिए भी एलिजिबल नहीं हो पाते हो, आपका पूरा एक ईयर वेस्ट हो जाता है। तो इसलिए ध्यान से सुनना और अच्छे से देखना, ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव रहेगा और वीडियो अच्छा भी लगेगा, ठीक है ना। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखना, क्योंकि इस चैनल पर मैं आपको CVT का काउंसलिंग, ICER का काउंसलिंग, डायरेक्ट एडमिशन और भी आगे करके मैं आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बताऊँगा कि आप यहाँ भी एडमिशन ले सकते हो। इस चैनल पर जुड़े रहोगे तो आपको हर एक अपडेट टाइमली मिलती रहेगी, कोई भी अपडेट मिस नहीं कर पाओगे। और अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन नहीं किया, स्टडी एटेक, इसको ज्वाइन कर लो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में यहाँ पर हर एक PDF आपको अपलोड आपका। जब CVT के साथ मर्ज नहीं हुआ था, ICER खुद का अपना एग्जाम लेता था और खुद का काउंसलिंग पोर्टल हुआ करता था, तो उसमें एक टाइम पे क्या होता था कि आप जिस कोर्स के लिए एलिजिबल हो वही कोर्स आपको पोर्टल पे शो होता था। अगर आपका जो भी सब्जेक्ट, अगर आप ABC से हो तो उस टाइम पे ABC के लिए 4 कोर्सेज ही शो होता था कि आपका एग्रीकल्चर हुआ, हॉर्टिकल्चर हुआ, फॉरेस्ट्री हुआ, फिशरीज हुआ, 4 कोर्सेज। तो आपको पता होता था आपके रिजेक्ट होने के चांसेस कम होते क्योंकि आपने वही कोर्सेज चुने हैं जिनके लिए आप एलिजिबल। बट अभी के टाइम में क्या है कि भाई अभी जैसे कि आपने हुआ कि PCB वाले हो, आपको सब कोर्सेज जिनके लिए आप एलिजिबल हो या नहीं, सब कोर्सेज आपको दिखेगा उसमें। तो उस चीज़ पे आपको उस टाइम पे डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है। उस टाइम पे आपको नहीं इन्फॉर्मेशन होती, आप कुछ भी डाल देते हो कि ये कोर्स डाल देते हैं, वो डाल देते हैं। अब आप जैसे लास्ट ईयर में, आपको एक रियल एग्जाम्पल बताता हूँ कि एक स्टूडेंट ने BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए यूनिवर्सिटी पुट कर दिया, BTech AG के लिए, और उसको ना उसका थोड़ा रैंक ज़्यादा था, उसने BTech AG के लिए पुट कर दिया, फर्स्ट सेकेंड थर्ड में ऊपर में ही उसको यूनिवर्सिटी मिल गया, ठीक है ना। अब वो था PCB वाला BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में एडमिशन नहीं ले सकता, यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद उसका पूरा साल वेस्ट हो गया। मे बी वो स्टूडेंट सुन रहा होगा तो वो इस बार भी देख लेना काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा होगा, ठीक है ना। तो इस चीज़ का अब मैं आपको जो पहले बताने वाला हूँ कि जो बेसिक ये है, देखो जो कि ये बेसिक है, ये स्टूडेंट का अगर ये फॉलो करते हो तो आप तो पहली बात तो कभी इनएलिजिबल नहीं रहोगे, मतलब कभी काउंसलिंग से बाहर नहीं होगे। जो मैं बता रहा हूँ, देखो एग्रीकल्चर वाला जो स्टूडेंट है, कौन कौन से स्टूडेंट, यहाँ पे देखना कि कौन सा एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। पहली बात तो जो सब्जेक्ट ग्रुप आपका ट्वेल्थ में था वही होना चाहिए। अगर किसी का ट्वेल्थ में अगर था, जैसे कि ट्वेल्थ में उसका PCB था, उसने ABC से एग्जाम दिया, तो वो भी परेशान मत रहो, उसका भी मैं आपको टेक्निक्स बताऊँगा। देखो जो बताऊँ मे भी उससे आपका रिजल्ट ना हो, लास्ट मैंने उसमें स्टूडेंट को, बहुत सारे स्टूडेंट को हेल्प किया उस चीज़ से बता के, तो जैसे बताऊं वैसे करना। आपका मतलब बोल सकता हूं बहुत कम चांसेस होगा, क्योंकि ICER रिजेक्ट नहीं करता, इस चीज़ को अपने दिमाग में रख लो। ICER रिजेक्ट नहीं करता है, रिजेक्ट करता है यूनिवर्सिटी आपका एडमिशन रिजेक्ट करता है कि आपने जो यूनिवर्सिटी को सब्जेक्ट ग्रुप चाहिए वो पुट किया है नहीं किया है, ठीक है ना। तो चलो अभी देखते हैं अपन यहाँ पे कि कौन कौन से कोर्सेज हैं। आपको पता 12 कोर्सेज ICER के अंदर में, ठीक है ना। अभी देखो, अगर आपका PCB, PCM, PCA, ABC जो भी है, सब स्टूडेंट एग्रीकल्चर के लिए एलिजिबल हैं, ठीक है ना। और देखो कुछ यूनिवर्सिटीज़ का भी पर्टिकुलर क्राइटेरिया होता है, एज का क्राइटेरिया हुआ, वो आगे अंदर में क्या मांगती है, उसका मीडियम कौन सा होना चाहिए, ये सब चीज़ों का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। अब देखो हॉर्टिकल्चर वाला भी, सभी कोर्सेज वाले जितने भी हैं वो सब हॉर्टिकल्चर के लिए भी एलिजिबल हैं। अब बात करते हैं फिशरीज़ के लिए, तो फिशरीज़ के लिए देखो ABC, PCA और PCB यही कैंडिडेट इसके लिए एलिजिबल हैं फिशरीज़ के लिए। और बात करें अपन फॉरेस्ट्री, देखो फिशरीज़ वालों के लिए, ABC वालों के साथ फिशरीज़ में दिक्कत यही होता है, क्योंकि क्या दिक्कत होता है, मैक्सिमम जो स्टूडेंट तो फिशरीज़ में क्यों रिजेक्ट होते हैं भाई, उन कॉलेजेस को मत रखना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कॉलेजेस होते हैं जो फिजिक्स कंपलसरी करते हैं, ABC वालों के पास फिजिक्स होता नहीं है, वो अपना फिजिक्स कंपलसरी रखते हैं, तो उन कॉलेजेस को पुट नहीं करना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना है, ठीक है ना। वीडियो को भी ध्यान से सुनना। और देखो जो फॉरेस्ट्री वाले होते हैं वो PCB, PCA और ABC ये सब इसके लिए एलिजिबल होते हैं, ठीक है ना। उसके बाद में देखो यहाँ पे देखो कम्युनिटी साइंस के लिए आपका एग्री ABC वाला स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होता है, इसके लिए आपका केवल PCB और PCM वाले बंदे ही एलिजिबल होते हैं, ठीक है ना। ये देखो इसमें सब PCM वाले एलिजिबल हैं। फूड न्यूट्रिशन डाइटिक्स के लिए PCM वाला एलिजिबल है, इसके लिए भी ABC वाले एलिजिबल नहीं है। सेरिकल्चर के लिए भी PCB और PCM वाले एलिजिबल हैं। BTech एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए ओनली PCM वाले एलिजिबल हैं। बट अभी आप जाके देखोगे तो कुछ कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने PCB भी मेंशन कर रखा है, आगे मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है ना। तो बट आपको एक चीज़ करना, उसके पोर्टल पर ICER के इस पर बिलीव नहीं
नहीं करना है, आपको पोर्टल पे जाके देखना है उसके पोर्टल पे जो कोर्सेज का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, अगर वहाँ एक्सेप्ट कर रहा है तब आप उसको पुट कर सकते हो, क्योंकि तब आपके पास एक एविडेंस रहेगा कि आपने कि सर आपने मेंशन कर रखा था इसलिए मैंने इसको पुट किया अपने पोर्टल पे, अपने मतलब काउंसलिंग में, ठीक है ना। उसके बाद हम अदर कोर्सेज की बात करते हैं, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का पीसीएम वाला, बीटेक डेयरी के लिए पीसीएम वाला, और बीटेक फूड डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए देखो पीसीएम वाला, लेकिन पीसीबी वाले को भी जैसे आपका इंडिया एक करनाल हुआ और पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हुआ, ये यूनिवर्सिटीज़ भी इनको एलिजिबल कर रही हैं इसमें पीसीबी वालों के लिए भी, ठीक है ना। उसके बाद देखो ये इसमें अभी तो देखो एनडीआरआई करनाल, इसमें बीटेक डेयरी के लिए एनडीआरआई करनाल है अपना पीसीबी वाले के लिए किया है, और फूड टेक्नोलॉजी के लिए भी देखो पीसीएम वाला जो कैंडिडेट है वो एलिजिबल होता है, कुछ कुछ पीसीबी वाले भी एलिजिबल होते हैं उनका पोर्टल पर उन्होंने बताया हुआ है, तो उनके लिए मैं एक बार और एडवाइस देना चाहूँगा कि आप जरूर जाके इंडिविजुअल यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर जरूर चेकआउट करें। और बीटेक बायोटेक्नोलॉजी के लिए दोनों कैंडिडेट एलिजिबल होते हैं, पीसीबी वाला भी और पीसीएम वाला भी, ठीक है ना। तो देखो इतना कुछ टफ नहीं है, आप ठीक से करोगे, ध्यान से चीज़ों को करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना, और परेशान नहीं होना। देखो काउंसलिंग ऐसा कुछ नहीं कि बहुत डिफ़िकल्ट है यार, आराम से हो जाएगा, आप पेशेंसली करोगे चीज़ों को, ध्यान से करोगे सब कुछ आसान है, ठीक है ना। तो इसमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं कि फालतू का इतना बड़ा आप काउंसलिंग, मतलब काउंसलिंग टाइम लेता है ICR का, नो डाउट, ठीक है ना। तो अच्छे से करना, फिर भी अगर आपको इनमें दिक्कत हो कि आप नहीं सेलेक्ट कर पा रहे हो कि भैया हमको कौन सा रखना चाहिए, तो आप मेरा काउंसलिंग कर सकते हो, इसके अंदर मैं आपको वही यूनिवर्सिटीज़ दूंगा कि जिनके लिए आप एलिजिबल हो, ठीक है ना। इसमें आपके जो क्या बोलते हैं लाइक डिस्क्वालीफाई होने के चांसेस बिल्कुल नेग्लिजिबल होंगे, आपका कहीं डिस्क्वालीफाई नहीं हो पाओगे, ठीक है ना। वही मैं आपको कॉलेजेस वही कोर्सेज आपको दूंगा कि आप जिनके लिए एलिजिबल हो, ठीक है ना। उसके लिए आप इसको ज्वाइन कर सकते हो। देखो अभी अगर स्कोर कार्ड आने से पहले अगर आप इसको ज्वाइन करते हो इसका फी ओनली 599 rupees है, अगर स्कोर कार्ड आने के बाद अगर आप इसको ज्वाइन करोगे तो इसको 999 आपको रुपीज़ पे करना होगा, ठीक है ना। इसके अंदर आपको बहुत कुछ मैं गाइड करूंगा, आपको कॉलेजेस के बारे में बताऊंगा, बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट भी प्रोवाइड करूंगा आपके रैंक के अकॉर्डिंग। इसको ज्वाइन करने के लिए आपको यहाँ पे जो QR कोड दिख रहा है इसको स्कैन करना है, स्कैन करने के बाद मैं आपको मेरे जो पर्सनल व्हाट्सअप नंबर है उस पर आपको सेंड करना है। जिन स्टूडेंट ने मेरा काउंसलिंग ऑलरेडी ज्वाइन कर रखा था वो ये काउंसलिंग वाले पोर्शन को स्किप कर सकता है, ठीक है ना। इसमें आपको बताऊंगा डायरेक्ट एडमिशन भी कहाँ लेना है आपको, और भी जैसे आपको CUET के अंदर यूनिवर्सिटी बरकतुल्ला यूनिवर्सिटी होता है, हेमवती नंदन हुआ, और आपका जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार हुआ, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ उड़ीसा हुआ, ये जितनी भी यूनिवर्सिटी देख गांधीग्राम इंस्टीट्यूट हुआ, जितनी भी यूनिवर्सिटी CUET के अंदर भी है वो भी मैं आपको कवर करूंगा, ठीक है ना। सबके बारे में मैं आपको बताऊंगा, मेरे इसमें गूगल मीट के थ्रू भी मैं आपको गाइड करता हूं, पर्सनली भी आप मेरे से डाउट पूछ सकते हो, ग्रुप में भी जब चैट ओपन होता है तब भी आप मेरे से पूछ सकते हो, ऐसे हमारा गूगल मीट का वो होता है। इसमें आपका ICR काउंसलिंग, CUET काउंसलिंग, डायरेक्ट एडमिशन, कॉलेज लेवल काउंसलिंग, सभी टाइप का काउंसलिंग, और अभी आप इसको ओनली 599 rupees में एक्सेस कर सकते हो, ठीक है ना। इसको करने के लिए यहाँ पे जो QR कोड दिख रहा है इसको स्कैन करना, और इसके बाद इस नंबर पे आपको टाइम पे ये रिलीज किया था, ठीक है ना। तो इसमें अपने हर एक इंडिविजुअल भी बताया हुआ है देखो, तो इसलिए मैं इनके ही बोल रहा हूं कि जिसमें आपको लग रहा है, जो मैंने पहले आपको बोला वो जर्नल था, जर्नल बोलते हैं जो बरसों से चला आ रहा था ICR के लिए कि ये कैंडिडेट इस कोर्स के लिए एलिजिबल, बट इसमें कुछ कुछ मॉडिफिकेशन हुआ है, कुछ कुछ में चेंजेस बताया हुआ है, तो उनके लिए आप इंडिविजुअल पोर्टल पर जाकर एक बार जरूर चेक कर लें, ये मेरा एडवाइस है, ठीक है ना। और आपका ICR का जो काउंसलिंग है अभी टाइम लेगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको पता है अभी तो अभी रिजल्ट आएगा, देन आपका ICR का रैंक कार्ड भी रिलीज होने में थोड़ा टाइम लेता है, और फिर काउंसलिंग भी आपका 2 to 3 months तक काउंसलिंग चलता है। तो अभी आपके पास टाइम है, तो मैंने जो कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी आपको बताए वो आप कर सकते हो, ठीक है ना। और अपने फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें, क्योंकि आपको पता है जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो बहुत लंबे टाइम के बाद में आपको मौका मिलेगा घर आने के लिए, तो इसलिए आप अच्छे से फैमिली टाइम स्पेंड करें, क्वालिटी टाइम स्पेंड करें, और अच्छे से खुश रहो। और मैं आपको बताता हूँ आगे देखो, ये सब आप एक बार इसको देख लेना, इसको मैं टेलीग्राम चैनल पे ऑलरेडी अपलोड किया, उनमें जाके आपको थोड़ा बहुत इशू हो सकता है क्या आप उनके कंफ्यूज में आके कि इसमें एलिजिबल नहीं, जैसे इसमें देखो लिख रहा है एग्री साइंसेज PCM, तो ठीक है ना, तो आपको एक बार जाके इसके पोर्टल पे देख लेना है कि वहाँ आपको PCB लिखा हुआ है या नहीं, या ABC लिखा हुआ है या नहीं। अगर वहाँ ABC क्लियरली नहीं लिखा है तो इसको पुट मत करना, ठीक है ना। जैसे इसमें PCM वाला इसके लिए एलिजिबल है तो इसके लिए PCM वाला ही पुट करना, देखो मैथमेटिक्स दे रखा है, कहीं बायोलॉजी का जिक्र नहीं है, तो इसमें कोई बायोलॉजी वाला एलिजिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता मैक्सिमम यूनिवर्सिटी PCM को ही अलाउ करती हैं, कुछ और पुट करोगे तो फिर आप रिजेक्ट हो जाओगे, ठीक है ना। फिर ये मत बोलना भैया आपने बताया नहीं, मैं इसीलिए आपको पहले से ही ये चीज़ बता रहा हूँ जिससे आपको परेशान ना होना पड़े। देखो यार आपका एक साल बेस्ट होगा, समझ सकता हूँ, देखो एक साल अगर मैं नहीं चाहूँगा, आप चाहूँगा कि आपको अच्छा यूनिवर्सिटी मिले, अच्छा कॉलेज मिले, आप एडमिशन लो और आपका परिवार भी खुश रहे और आप भी खुश रहो और आप आगे अपनी लाइफ भी इंजॉय कर पाओ, ठीक है ना।
तो इसमें देखो यहाँ पे जैसे कि जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने पीसीबी दे रखा है, तो इसके लिए भी आप एक बार पोर्टल पे, इसके पोर्टल पे जाओ जूनागढ़ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को, वहाँ जाके चेकआउट करो और वहाँ आपको मेंशन कर रखा है, देन ठीक है कि इसको हम पुट कर सकते हैं, अदरवाइज पुट मत करना, ठीक है ना। इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपने भी देखा जो ICER का फीस स्ट्रक्चर भी रिलीज़ किया था पोर्टल पे काउंसलिंग में, तो उसमें भी फीस स्ट्रक्चर भी बहुत सारा कुछ मिसमैच है, किसी यूनिवर्सिटी कुछ भी रैंडम पुट कर रखा है, ठीक है ना, कुछ कुछ गलत जो फीस स्ट्रक्चर डाल रखा है, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का जरूर ध्यान दें, जैसे कि मैं आपको बता रहा था डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए, तो डेयरी टेक्नोलॉजी के लिए देखो NDRI ने अलाउ किया हुआ है, तो आप देख सकते हो NDRI का भी। उसके बाद में यहाँ पे है नेक्स्ट आपका बीटेक फूड टेक्नोलॉजी, और जो आपका नेचुरल फार्मिंग वाला है उसके लिए सभी कैंडिडेट एलिजिबल है। देखो नेचुरल फार्मिंग के लिए जो आपका लास्ट में है, ये बीटेक बायोटेक के लिए आपको, देखो नेचुरल फार्मिंग के लिए आपका पीसीबी और पीसीएम वाला, देखो जो इसमें है कुछ कुछ कोर्सेज, कुछ यूनिवर्सिटीज़ के लिए जो ABC वाला वो भी एलिजिबल है। इस यूनिवर्सिटी के लिए डॉक्टर YSP, ठीक है ना, वाइस परमार वाले जो इस यूनिवर्सिटी ने अभी मेंशन नहीं कर रखा है कि ABC वाला एलिजिबल है या नहीं, फिर भी आप इसके पोर्टल पर जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो आई होप आपको मैंने जो बताया वो समझ आएगा, और कैसे इन चीज़ों को देखना है, इन चीज़ों से डील करना है, क्योंकि मैं जल्दी भी यूनिवर्सिटीज़ वाइज भी जिनका भी इनको और क्लियर करके मैं आपको बता पाऊँ कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटी इन पोर्टल भी अलाउ कर रहा है, जिससे आपको कम प्रॉब्लम फेस करना पड़े, ठीक है ना, तो जिससे आपको कोई दिक्कत ना हो। सो चलो इस वीडियो में इतना ही, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा। और ये देखो ये मेरे कुछ काउंसलिंग के रिव्यूज़ हैं, अगर जिन स्टूडेंट को काउंसलिंग ज्वाइन करना है वो मेरा काउंसलिंग मेंटरशिप प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकता है। ये देखो ये तो 23 के रिव्यूज़ हैं, और कुछ रिव्यूज़ मैंने देखो 22 वाले भी, जो 2022 में ICER में जिनको अलॉट हुआ था, जैसे न्यू दिल्ली अलॉट हुआ है, इनको हॉर्टिकल्चर अलॉट हुआ है। आपने अभी स्टूडेंट का रिव्यू देखा, मैं भी चाहूँगा कि अभी इस बार आपको अच्छा कॉलेज मिले, और आप भी एक प्यारा सा मैसेज हमको लिख के ज़रूर जाएं और बताएं कि आपको कैसे हेल्प मिला हमारे थ्रू, क्योंकि मैं पूरा कोशिश अपना पूरा बेस्ट देने का कोशिश करता हूँ आपके लिए कि आपको एक अच्छा यूनिवर्सिटी में पहुँचा पाऊँ, जिससे कि आपके पेरेंट्स को भी आपके ऊपर प्राउड हो कि आपका, मतलब कि एक होता है ना कि आप इन चीज़ों की वजह से कि आपका मार्क्स अच्छा है और आपको वो यूनिवर्सिटी नहीं मिल पाया, आपने कुछ भी पुट कर दिया, क्योंकि पेरेंट्स लोगों को पता नहीं होता उन चीज़ों के बारे में भी, आपको भी नॉलेज नहीं होता, आप नियर बाई किसी कंप्यूटर शॉप वाले के पास जाओगे भैया मेरा काउंसलिंग, तो उसको क्या पता, उसको ICER फील्ड के बारे में पता नहीं, तो ये सब मिस्टेक से आप बच पाओ। सो आपको ये सब प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े, इसलिए आप ज्वाइन कर सकते हो, अदरवाइज नहीं ज्वाइन करोगे फिर भी मैं, टेंशन मत लेना, फिर भी मैं आपके साथ हूँ, ठीक है ना। तो चलो इस वीडियो में इतना ही, कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद द स्टडी एटिक, खुश रहो, मस्त रहो, और अच्छे से अपने पढ़ाई पर भी ध्यान दो, और जो भी मैं चीज़ें आपको बता रहा हूँ चीज़ों को देखते रहो।